स्कूटर में मारे गए दोनों स्थानीय मिलिटेंट की पहचान, रेबन शोपियों में मारे गए दो उग्रवादियों की पहचान स्थानीय निरोगों के रूप में हुई है। सूत्रों ने बताया कि शोपिया मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादियों को शाबिर अहमालिक तेंगुदन जुला कुलगाम के रूप में और आमिर एहडार जुला अनंतनाग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि UBGL और एक मैगजीन के साथ AK-47, एक मैगजीन के साथ पिस्तौल उनके कब्जे से बरामद किया गया। उस पूरी खबर पर जेके खबर नाउ कश्मीर ब्यूरो चीफ रईस वाणी ने हमें विस्तार से पूरी जानकारी दी है। जी, मैं आपको बताता चलूं कि आज सुबह जो है शुपियां के जो रेबल शुपियां है वहां पे एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर जो जूही वहां पे पहले सर्च ऑपरेशन हुआ, वहां पे इतला थी कि 2 या 3 मिलिटेंट छुपे होने की खबर थी और फौज के जो जूही उन्होंने सर्च ऑपरेशन वहां पे शुरू किया और मिलिटेंटों की तरफ से पहली गोलीबारी शुरू हुई और उसके चलते जवाबी कार्रवाई में जो कि फौज ने 2 मिलिटेंट को मार गिराया है, जिनमें से ये बताया जा रहा है कि दोनों मिलिटेंट जो है वो अंसर गजवतुल हिंद के बताए जा रहे हैं और उनके नाम भी अभी हमारे पास पहुंच चुके हैं। शबीर अहमद मलिक जो कि कुलगाम में रहते हैं और आमिर अहमद डार जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग मेलहूरा में रहता है और इनसे जो है हथियार भी बरामद किया गया है, AK-47 और एक मैगजीन पिस्टल और ये जो है इनसे बरामद किया गया है। और आपको भी बताता चलूं कि अंसर गजवतुल हिंद जो कि जाकिर मूसा ग्रुप के 2 मिलिटेंट थे और आज वो जो है शुपियां में एनकाउंटर में मार गिरा है फौज ने। फौज की बड़ी कामयाबी बताई जा रही है और अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और तमाम जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए थे और एनकाउंटर जो है अभी हमारे पास जो रिपोर्ट पहुंची है वो खत्म हो चुका है।